I love you. God bless you. Make us proud, boy. I love you, bhai. God bless you, brother. Yeah. I'm not the kind of guy जो अच्छे से अपनी emotions को show करता है, कर सकता है that what I went through. बट जैसे ही मुझे पता चला था कि विद्युत सर जम्मू आ रहे हैं, तो मैं मोहाली गया होता टेस्ट देखने के लिए. पता किया कि कहाँ पे वो आने वाले हैं, तो मैं वहाँ पर भी गया था. और वहाँ पे उनके बहुत सारे फैंस आए हुए थे और मैंने उनको देखा दूर से, और मैं अपलॉड भी नहीं कर सका. मैं जस्ट उस इमोशन में टेकन, मतलब इतना वो था कि मैं उनको जस्ट देख के ही कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर रहा था. तो मैंने उनको अच्छे से देखा और मैं उनसे मिल नहीं पाया था क्योंकि बहुत सारे फैंस थे, बहुत सारे उनकी फैमिली के मेम्बर्स थे. तो मैं वहाँ से वापस आ गया. वो जैसे ही मैं वापस आ रहा था तो इतनी देर में देखा कि विद्युत सर की गाड़ी आ रही है और वो अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकले हुए हैं. तो मैं जस्ट साइड पे खड़ा हो गया और मैं उस टाइम पे भी कोई इमोशन अपना शो नहीं कर पाया. दैट हाउ हैप्पी आई एम, मुझे कितना अच्छा लग रहा है उनको इतनी पास से देख के. और मैंने उनको अपनी टी शर्ट दिखाई जो मैंने अभी भी पहनी हुई है और इसी को पहन के मैं वर्कआउट भी आज करूँगा. तो मैंने जैसे उनको अपनी टी शर्ट दिखाई, उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे से हैंड शेक किया और उन्होंने बोला आई लव यू सो मच ब्रदर, इट मीन्स अ लॉट टू मी सर, अगर आप इस वीडियो को कभी देखोगे. उसके बाद मुझे पता था कि उन्होंने वैष्णो माता जाना है, तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई बाइक आगे ले जाते हैं, तो जहाँ से उन्होंने निकलना होगा, क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे पीछे बहुत से लड़के बाइक्स लेके घूम रहे थे, तो वो कोई करके फ़ायदा नहीं था. मैंने बीच में उनको फ़ोन देने की कोशिश की कि सर एक वीडियो ले लो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया. तो उसके बाद हम आगे निकल गए और आगे पहुँच के मैं उनका वेट कर रहा था. इतनी देर में उनकी गाड़ी आ गई, तो मैंने उनको फिर से अपनी टी शर्ट दिखाई और पहले मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था, तो इस टाइम पे मैंने अपना मास्क खोल दिया. तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आई सेड ऋतिक शर्मा. उन्होंने बोला लिटरली कि वही ऋतिक शर्मा जो फिटनेस की वीडियोस डालता है, जल्दी से आओ जल्दी से आओ. वो मोमेंट, वो ऑल दो कैप्चर नहीं हुई है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी. जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि वही ऋतिक शर्मा, तो मुझे लगा कि यार इतने बड़े स्टार, वो अभी तक मतलब उनको पता है कि ये वीडियोज़ डालता है और उन्होंने सच में नोटिस किया हुआ है. तो मैं जल्दी से उनके पास में गया और मैं वही उन्हीं इमोशंस में डूब गया था. मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया हाउ मच इट मीन्स टू मी. मैं उनको बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता था, आई वांटेड टू टच हिज फीट, टू सीक दी ब्लेसिंग्स, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया. जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतनी करने की कोशिश की. और फाइनली उन्होंने जाते जाते बोला कि मेक ऑल जमवालियंस प्राउड. तो वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, वही इस फिटनेस, इस जिम ने, मेरे गाँव ने, मेरी फिटनेस के लाइफस्टाइल ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी यही प्रोसेस चलती रहेगी. नॉट फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर, जस्ट फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी डे. तो यही प्रोसेस चलती रहेगी. और फाइनली मैं यही बोलूँगी थैंक यू सो मच विद्युत सर, जम्मू लव्स यू, ऑल द जमवालियंस लव यू. और साथ में कोई भी, मैंने आज तक कोई ऐसा स्टार नहीं देखा जो इतना डाउन टू अर्थ है, इतना हम्बल है. बहुत से लोगों से मिला हूँ, लेकिन जिस तरह से वो मेरे से मिले, ऐसा लग रहा था कि मेरा बड़ा भाई ही मेरे से मिल रहा है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके. थैंक यू सो मच विद्युत सर. और मुझे लगता है कि हमारे जो रोड्स हैं, हमारा जो रास्ता है, ये फिर से एक बार लाइफ में जरूर क्रॉस होगा. थैंक यू सो मच. बिग फैन सर, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी सर. आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, मेक अस प्राउड बॉय. श्योर सर, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच. God bless you, brother. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.